अतीक और अशरफ ने की थी मौत की भविष्यवाणी। तारीख 29 मार्च 2023, अशरफ की आशंका, जेल से किसी बहाने निकालेंगे और निपटा देंगे। फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। तारीख 11 अप्रैल 2023, अतीक की आशंका, अतीक ने कहा था ये हमें मारना चाहते हैं। तारीख 15 अप्रैल 2023, अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब योगी सरकार और उनकी पुलिस सवालों के घेरे में है। अतीक की हत्या से पहले ही बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर को लेकर UPSTF पर सवाल उठ रहे थे, मगर अब पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या के बाद विपक्ष शासन और प्रशासन पर जमकर हमलावर है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब UPSTF इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि हत्या से पहले ही कोर्ट में पेश की गई अतीक अहमद और अशरफ ने अपनी हत्या की आशंका जताई थी। गुजरात से दोबारा पेशी के लिए लाए जाने के दौरान अतीक अहमद ने कहा था कि कोर्ट में पेशी के बहाने हत्या की साजिश रची जा रही है, यूपी पुलिस जल्द ही उसकी हत्या कर देंगे। सुनिए अतीक अहमद ने साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाने के दौरान क्या कुछ कहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसेशन कराओ। इतना ही नहीं, अतीक अहमद के अलावा उसके भाई अशरफ ने भी अपनी हत्या की आशंका जताई थी। अतीक के भाई अशरफ ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी। अशरफ ने पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों से कहा था कि उन्हें किसी बड़े अधिकारी ने बताया था कि उन्हें 2 हफ्ते के भीतर निपटा दिया जाएगा। फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। हाँ, किसने दिए? किसने? एक बड़े अफसर ने दिए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। यूपी पुलिस ने नाम बताओ, नाम बताओ, किसने दिए? अशरफ पूरी बात बताओ, किस हत्या की आशंका जताने के बाद माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद एक तरफ जहां यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं विपक्षी दलों के नेता इस पूरे प्रकरण को लेकर योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों गिरफ्तार हमलावरों से यूपी पुलिस पूछताछ में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।